पब्लिक टीवी आपकी आवाज। 2022 के इलेक्शन से पहले सभी पार्टियां चुनावी अंदाज में अब नजर आने लगी हैं। कोई रैली करने में व्यस्त है तो कोई पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करने में। भाजपा हो, सपा हो या कांग्रेस या फिर बसपा, कोई भी इस बार 2022 के इलेक्शन में कमी नहीं छोड़ना चाहता। कुछ यही नजर आया आज मुरादाबाद में आयोजित चुनाव प्रबंधन समिति की मंडल स्तरीय बैठक में, जिसमें आज खुद उत्तर प्रदेश के भाजपा संगठन महामंत्री सुनील बंसल मुरादाबाद पहुंच गए और मंडल की सभी सीटों का जायजा लिया। दरअसल उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें आज उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल, उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी राधा मोहन सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल, पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह, प्रदेश सह संगठन मंत्री करमवीर जी मौजूद रहे। मंडल के पांचों जनपदों के साथ मुरादाबाद महानगर संगठन पदाधिकारियों के साथ बैठक की और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2022 के इलेक्शन में जो रणनीति है उसे बरकरार रखते हुए कार्यों को आगे बढ़ाना है, साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने का भी काम किया गया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रदेश के संगठन के प्रभारी आदरणीय राधामोहन जी व प्रदेश के करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत दोनों अतिथि हमारे बीच में आज पहुंचे हैं। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से आपको उनका स्वागत कीजिए। हमारे बीच में निरंतर संगठन के काम को गति देने के लिए लगातार प्रवास कर रहे हैं और करनाल के लोकसभा क्षेत्र से बहुत ही लोग प्रदेश के संगठन के चुनाव के सह प्रभारी के रूप में पश्चिम का काम देख रहे हैं। आदरणीय संजय भाटिया जी भी हमारे बीच में आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित प्रदेश के सह संगठन महामंत्री आदरणीय करमवीर जी व इस क्षेत्र के ही रहने वाले पूर्व के क्षेत्रीय अध्यक्ष वर्तमान में पंचायती राज के मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, वह भी मंच पर मौजूद है। एक बार आप लोग उनका भी स्वागत कीजिए। जिले की चुनाव संचालन समिति या विधानसभा की चुनाव की संचालन समिति जो हमारी बनी है, उसका चुनाव की दृष्टि से क्या रोल है, क्या भूमिका है, क्या काम उसको करना है, उस बात की स्पष्टता इस बैठक में हो, उस दृष्टि से आज की अपनी बैठक है। मैं थोड़ा संगठन की दृष्टि से क्या क्या काम इन सभी विषयों में रहेंगे उसके बारे में आप सबके सामने विषय रखता हूँ। बाद में माननीय राधा मोहन जी भी इन सभी विषयों में हम सबके लिए और राजनीतिक दृष्टि से, पॉलिटिकल दृष्टि से किन बातों का विशेष आग्रह करके हमको नीचे तक प्रयास करना है, ऐसा विषय हम सबके सामने रखेंगे। पहला मुद्दा है आप सबकी स्पष्टता के लिए कि यह विधानसभा की चुनाव प्रबंध समिति है, जिसमें 18 प्रकार के अलग अलग कार्यकर्ताओं को दायित्व है। ऐसे 18 कार्यकर्ताओं को जो दायित्व है, ये चुनाव समिति का पार्ट वन है, इसका पार्ट टू अभी और होना बाकी है। तो 18 कार्यकर्ता जो चुनाव से पहले प्री इलेक्शन कैंपेन को लेकर, चुनाव की तैयारियों को लेकर जो जो काम हम सबको करने हैं, यह है चुनाव प्रबंध समिति पार्ट वन, जिसकी आज ये हम बैठक कर रहे हैं। सभी विधानसभाओं की और जिलों की जो संचालन समिति है, जो कामों का विभाजन अलग अलग प्रकार से पार्टी ने किया है, उन कामों के जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं वो सब बुलाए गए थे। माननीय राधा मोहन सिंह जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, आदरणीय सुनील बंसल जी हमारे प्रदेश के माननीय संगठन मंत्री, आदरणीय करमवीर जी, आदरणीय संजय भाटिया जी पश्चिम क्षेत्र के प्रभारी हैं और क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, सब लोगों ने चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी को रणनीतिक रूप से संगठनात्मक जो जो काम करने हैं उन कामों के विषय में माननीय सुनील बंसल जी ने मार्गदर्शन दिया जी। आगामी कुछ विशेष निर्देश भी रहे हैं इसमें? नहीं, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हमेशा अपने कार्यकर्ता की सक्रियता मेहनत के आधार पर हम लोग लड़ते रहे और अच्छे परिणाम हमें अपने कार्यकर्ताओं के मेहनत के आधार पर मिलते रहे। इस बार हम सरकार में हैं, केंद्र में भी और राज्य में भी, और राज्य की सरकार ने पिछले 4.5 वर्षों में माननीय योगी जी के नेतृत्व में अलग अलग विषयों में जो काम किए हैं उन कामों को आगे करके, भारत सरकार के माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं 7 वर्षों में उन कामों को आगे रख के और अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे और मुझे विश्वास है इस प्रदेश की महान जनता पूर्व की भांति हमें अपना आशीर्वाद और इसने देगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।